गाइस, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिपल एडिट टूल के अंदर। हमारे पास यहाँ पे था रोलिंग एडिटोर और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है रेट स्ट्रेस टूल। गाइस, आज हम इस टूल के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हमजा लतीफ और आप लोग देख रहे हैं डिजिटेक बार। तो गाइस, जैसे कि हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रोलिंग रेट स्ट्रेस टूल। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है आर। तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो वीडियोस हैं। ठीक है, एक ये वीडियो है, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, और इसके साथ एक वीडियो है, मैं इस प्ले हेड को आगे लेके जाता हूँ, ये हमारे पास वीडियो है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये नॉर्मल चल रही है। तो गाइज, बेसिकली इसका यूज़ क्या है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अगर किसी स्लो मोशन या फास्ट मोशन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी इफेक्ट या किसी भी टूल की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेच रेट स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ये वीडियो है हमारी, तो हम इसको आगे का स्लो मोशन में करना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे एरो रख के और आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्लो मोशन आ गया। हम इसको और ज़्यादा स्लो मोशन करते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ तक इसका स्लो मोशन कर लिया। अब हम देखते हैं इसका स्लो मोशन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और ज़्यादा स्लो हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल स्लो मोशन में जा रही है। इस तरह हम इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाते हैं आपको कि स्लो मोशन जो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, थोड़ा और, तो आप लोग आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो मोशन हो गया। ठीक है, जैसे होना चाहिए था। तो हम वापस आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो है इसको स्लो मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फास्ट मोशन के भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ तक का फास्ट मोशन करना चाहते हैं, बहुत क्लोज कर दिया हमने, तो इसका फास्ट मोशन कितना होगा वो आप देख लें, यहाँ से कितनी स्पीड से जा रही है वीडियो हमारी। ठीक है, तो ये नॉर्मल वीडियो थी हमारी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल वीडियो थी और वो हमारी फास्ट हो गई थी। ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारे टाइम ड्यूरेशन को जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। जैसे कि हमें यहाँ से स्लो मोशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे स्लो मोशन आ गया। तो इसी तरह हम अगर यहाँ से इसे क्लोज़ करते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वीडियो प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी स्पीड से चल रही है। तो गाइज, बेसिकली हम यहाँ पे रेट स्ट्रेस टूल का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को जो है फास्ट और स्लो जो है कर सकते हैं। जहाँ से हमें यहाँ पे फास्ट मोशन चाहिए तो हम फास्ट मोशन को अप्लाई करते हैं, स्लो मोशन चाहिए तो हमें स्लो मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी इफेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।